असल दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट किस मुल्क में मौजूद है ये एक ऐसा मुल्क है जिसे चिघाड़ते हुए ड्रैगन की सरजमीन भी कहा जाता है इस मुल्क में तंबाकू की खरीदो फरोख्त ममनू है ये दुनिया का वैध कार बनाए गठे मुल्क भी है इस मुल्क में जानवरों को मारना भी सख्ती से मना है दुनिया के इस खूबसूरत मुल्क में तलीम और सियाह जैसी बुनियादी सहूलियात तो बिल्कुल मुफ्त हैं इस मुल्क का कौमी खेल आर्चरी यानी तिरानदाजी है जी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध रियात भूटान की चलते हैं वीडियो की तरफ भूटान का मुकम्मल किंगडम ऑफ भूटान है यह एक लैंड लार्क मुल्क है जो कि मशरकी हमालिया में मौजूद है भूटान का दारुलकुमत थिम्फू है जबकि सरकारी जुबान जोंखा है भूटान का सरकारी मजहब बुद्ध है यह एक बुद्ध रियासत है जिसकी कुल आबादी तकरीबन करीबन पचहत्तर फीसदी सुद्ध मजहब पर अमल पैरा है भूटान का को रकबा अड़तीस हज़ार तीन सौ चौरानवे मरबा किलोमीटर जबकि आबादी तकरीबन सात लाख चौवन हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है यह रकबे के लिहाज से एक सौ तैंतीस और आबादी के लिहाज से एक सौ पैंसठ नंबर पर बराजमान है नेपाल की सरकारी करंसी भारतीय रुपया जन गुलट्रम है अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की भूटान का दारालकूमत तिफू है यह एशिया में मौजूद दो कैपिटल में से एक है जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स मौजूद नहीं दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों दारखिला सिग्नल फ्री शहर हैं इसके अलावा एशिया में एक तीसरा दारालकूमत भी ऐसा मौजूद है जिसे सिग्नल फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है और वो है पाकिस्तान का दारालकूमत इस्लामाबाद भूटान अगरचे माहौलियातीबार से, तो से दुनिया का साफ तरीन और बेहतरीन मुल्क है मगर यह मेडन है सिर्फ बाईस साल है भूटान की कुल आबादी का एक तिहाई हिस्सा पंद्रह साल से कम उम्र का है भूटान दुनिया के उन ममालक में भी शामिल है जहाँ इंटरनेट और टी वी जैसे टेक्नोलॉजी बहुत देर बाद आई दुनिया में सबसे आखिर में भूटान में टी वी आया नाइनटीन नाइनटी नाइन तक भूटान में टी वी नाम की कोई चीज़ मौजूद ना थी और तो और पहाड़ी इलाका होने की वजह से नाइनटीन सिक्सटी तक भूटान में कोई बायदा रोड या सड़क भी मौजूद ना थी ये तमाम सड़कें नाइनटीन सिक्सटी के बाद वजूद में आईं साफ़ जाहिर है रोड ना होने की वजह से यहाँ पर आटो मोबाइल्स का भी कोई तस्वर मौजूद ना था नाइनटीन सिक्सटी तक भूटान अंधेरे में डूबा हुआ एक मुल्क था क्योंकि यहाँ बिजली ना पाए थी मगर इसके बरक्स इस वक्त भूटान हायड्रो अलक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले बड़े ममालक में शुमार होता है यह न सिर्फ अपनी बिजली की ज़रूरियात पान बिजली से पूरी करता है बल्कि यह मुल्क हाइड्रो अलक्ट्रिसिटी दूसरे ममालको को भी बेचता है पोस्टल सिस्टम यानी ख़त व या डाक का निज़ाम भी नाइनटीन सिक्सटी के अभी भूटान में वारद हुआ भूटान का मकबूल तरीन खेल तिरानंदाजी है जो कि भूटान का कौमी खेल भी है भूटान में हर शख्स चाहे वो जब भी पैदा हो नए साल की पहली तरीक को अपनी सालगिरह मनाता है इस तरह कोई भी अपनी सालगिरह भूलता नहीं यानी यह हैप्पी न्यू ईयर ही हैप्पी बर्थडे होता है भूटान के को रकबे का करीबन सत्तर फ़ीसदीसद जंगल पर मुश्तमिल है वैसे भी यहाँ के कानून के मुताबिक मुल्क के को रकबा का करीबन साठ फीसदी ईसद जंगल होना ज़रूरी है किसी भी मुल्क की खुशहाली का अंदाज़ा उसकी जी डी पी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लगाया जाता है कि उस मुल्क में अफरात ज़र कितना है और लोगों की माशी हालत कैसी है मगर भूटान में जी डी पी की बजाय जी एन पी यानी ग्रास हैपीनेस प्रोडक्ट का स्केल मौजूद है कि आया कितने फ़ीसद लोग अपने मौजूदा हालात ज़िंदगी से खुश हैं भूटान अपने आर्किटेक्चर यानी फ़न तमीर के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है जहाँ दुनिया का बेहतरीन आर्किटेक्चरल काम होता है भूटान का शुमार दुनिया के महफूज तरीन ममालक में भी होता है क्योंकि यहाँ क्राइम रेट यानी जराम की शरह ना होने के बराबर है भूटान दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ तमाकून नोशी ममनू है अगर आप ममनू इलाकों में सिगरेट सुलगाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है भूटान में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं ये दुनिया के ख़तरनाक त्रीन एयरपोर्ट्स में से एक है दुनिया में इस वक्त सिर्फ आठ ही ऐसे पायलट मौजूद हैं जो ऐसे एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंड करने के अहल हैं भूटान दुनिया का वैध कार्बन नेगेटिव मुल्क भी है दूसरे लफ्ज़ में भूटान जितनी कार्बन डाईआक्साइड पैदा करता है इसे कहीं ज़्यादा जज्ब करता है भूटान में तलीम और सेहत की सहूलियत बिल्कुल मुफ्त हैं सेहत की सहूलियत सियाँ को भी मुफ्त मुहैया की जाती हैं भूटान में नाइनटीन नाइनटी से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है यहाँ के लोग प्लास्टिक के बजाय कागज या कपड़े से बने बैग इस्तेमाल करते हैं भूटान की सरकारी जुबान जोंखा में भूटान को डार्क योल कहा जाता है जिसका मतलब है लैंड ऑफ ड्रैगन, यानी चिंगारते हुए ड्रैगन की सरजमीन ऐसा नाम यहाँ पर आने वाले ख़तरनाक तूफानों की वजह से दिया गया है भूटान चूक एक बहुत रियासत है इसलिए यहाँ पर जानों को बा करना या उनका शिकार करना ममनू है तहाँ इसके बारकस भूटान के लोग गोश् बहुत शौक से खाते हैं जो ज़्यादातर भारत से इम्पोर्ट किया जाता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफ